तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरके टेक्निकल। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस प्रकार से किसी भी एंड्रॉइड में 120 हर्ट्ज और 120 एफपीएस की डिस्प्ले को एनेबल कर सकते हैं दोस्तों विदाउट रूट। जी हां दोस्तों, आपको इसको रूट करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा डिवाइस दोस्तों नॉन रूटेड एंड्रॉइड डिवाइस है। इसमें दोस्तों मैं आपके सामने 120 एफपीएस और 120 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट को एनेबल करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। वीडियो करते स्टार्ट बना के सी देरी के। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दे दिया है, वहां पर से जाकर आपको कुछ इस प्रकार से एक जिप फाइल देखने को मिल जाएगी 120 एफपीएस प्लस 120 हर्ट्ज की। इस फाइल को दोस्तों आपको कर लेना सिंपली से अपने डिवाइस में डाउनलोड। जी हां दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली से इसको जेड आर्चीवर एप्लीकेशन से करा लेना है ओपन। जैसे दोस्तों जेड आर्चीवर एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहां पर से आपने जहां पर भी उस फाइल को डाउनलोड करके रखा उसको आपको लोकेट करा लेना है सिंपली से। दोस्तों यहां पर मैं चला जाता हूं उस फाइल लोकेशन पे, देन दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा 120 एफपीएस प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डॉट जिप की फाइल। इस जिप फाइल को दोस्तों सबसे पहले आपको कर लेना है यहाँ पर से एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक। एक्सट्रैक्ट हियर पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर से आपको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड दोस्तों इसका है 240। जी हाँ दोस्तों, 240 आप जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे पासवर्ड में आपको ओके पे बटन पे क्लिक कर देना, देन आपका दोस्तों ये जो फाइल है सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद दोस्तों ऊपर में नया फोल्डर आपको बना हुआ देखने को मिल जाएगा 120 एफपीएस 120 हर्ट्ज का। आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार से बहुत सारी फाइलें देखने को मिल जाएंगी। आपको सिंपली दोस्तों एक ग्रीन कलर के ऑप्शन में प्लस का सिम्बॉल देखने को मिलेगा, उसी वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर में फोल्डर का आइकॉन दिखेगा, फोल्डर का आइकॉन पर क्लिक करना, देन आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है दोस्तों। उसका नेम आपको देना है com.android.120fps.120hz। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी स्मॉल लेटर में रहेंगे और आपके दोस्तों जो com.android.120fps.120hz की ये जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगी। देन दोस्तों आपको क्या कर लेना है, मल्टी सेलेक्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। देन दोस्तों जितनी भी txt की फाइल है दोस्तों उन सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है, सिर्फ दोस्तों कोडिंग वाली फाइल आपको छोड़ देनी है। देन इस फाइलों को आपको कर लेना है कट। कट करने के बाद दोस्तों आपने जो नया फोल्डर क्रिएट किया उस पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट आप जैसे करेंगे दोस्तों आपका नया फोल्डर यहाँ पर से फुल्ली अपडेट हो जाएगा। आपको सिंपली दोस्तों इसको कर लेना है कट। अगेन आपको कट करना दोस्तों, कट पे जैसे क्लिक करेंगे देन आपको चले आना है इसके डिवाइस स्टोरेज पे। डिवाइस स्टोरेज पे आने के बाद दोस्तों एंड्रॉइड फोल्डर ओपन करना है। एंड्रॉइड फोल्डर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चले आना है डाटा वाले फोल्डर पे। डाटा वाले फोल्डर पे आने के बाद दोस्तों ओके की आपको परमिशन दे देनी कि हम जो डाटा वाला फोल्डर वो एक्सेस कर सकते हैं जेड आर्चीवर के थ्रू। जैसे ही आप एक्सेस की परमिशन देंगे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपकी जो com.120fps120hz की जो फाइल है दोस्तों वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। डिजिटल फाइल है दोस्तों, जितनी भी फाइल है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से दोस्तों यहाँ पर से तो आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपका काम आता है सेट एडिट कोड को डालने का। तो आपको सिंपली से अगेन अपना डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन करना है। डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन करने के बाद अगेन दोस्तों आपको इसको फाइल को ओपन कर लेना है। देन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों सेट एडिट डॉट एपीके की फाइल। इस फाइल को आपको सिंपली से अपने डिवाइस में कर लेना है इंस्टॉल। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे दोस्तों डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद अगेन ओके की परमिशन आपको दे देनी है। देन आपका सक्सेसफुली दोस्तों ये ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली से एड न्यू सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर से दोस्तों आपको कमांड डालनी है। वो कमांड है दोस्तों आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। वो कमांड कोडिंग वाली जो txt फाइल है दोस्तों उसको आपको सिंपली से ओपन कर लेना है किसी भी html व्यूअर से। देन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों पीक अंडरस्कोर रिफ्रेश रेट करके इस फाइल को दोस्तों सिंपली से आपको कर देना है कॉपी। इसके नेम को कॉपी करने के बाद दोस्तों सेट एडिट ऐप में आपको चले आना। देन यहाँ पर से एड न्यू सेटिंग में इसको डाल देना। देन दोस्तों वैल्यू में आपको डालना है 120। सेव चेंजेस कर देना है। पहला सेटिंग आपका चल चुका है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा सेटिंग आपको क्या डालना है। अगेन दोस्तों यहां पर से आपको उस टाइम आपने पीक डाला था, यहां पर आपको यूजर डालना है। जी हां दोस्तों, यूजर _ रिफ्रेश रेट _ करके आपको डाल देना है। अगेन दोस्तों वैल्यू में आपको 120 हर्ट्ज डाल देना है। 120 बस डालना है दोस्तों, आपका काम कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने एंड्रॉइड में 120 एफपीएस और 120 हर्ट्ज को एनेबल कर सकते हैं विदाउट रूट। तो कैसा लगा वीडियो नीचे में कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूले। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।